मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज एक बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आपको लेकर चलेंगे गूगल प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आपको लिखना है एन डॉक्स। आप जैसे यहाँ लिखेंगे, ये देखिए एन डॉक्स ऑफिस, ये काम क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है दोस्तों, ऐसा एप्लीकेशन बनाया गया है, ये कुछ तकरीबन 20-21 MB के आसपास है। और इस एप्लीकेशन की जो खासियत है, वह खासियत ये है कि ये आपके मोबाइल में जितने भी PDF ऑफिस की फ़ाइल, चाहे वो वर्ड की फ़ाइल हो, एक्सेल की फ़ाइल हो, पावर पॉइंट हो, जितनी भी ई बुक्स रीडर्स वगैरह जो होंगे, उनको एक जगह पर जो है लेकर आ जाएगा, ताकि आपको उन्हें एक्सेस करने में दिक्कत नहीं होगी। अक्सर ये देखा जाता है दोस्तों, जब हम काफ़ी सारे MS वर्ड्स की और अलग अलग फाइल्स को, PDFs को कहीं से डाउनलोड करते हैं, और जब हमें उसको कहीं सेंड करना होता है, या कहीं हमें उसको ओपन करके दिखाना होता है किसी को, या खुद भी देखना पड़ना होता है, तो उसे सर्च करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर कोडेड होता है। तो दोस्तों, आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप इसे जो है यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ फ़ोटो मीडिया फाइल्स को अलाउ कर देंगे। ये अलाउ करते से देखिए दोस्तों, अभी सब 000 दिखा रहा है आपको। माइक्रोसॉफ्ट ओपन लाइब्रेरी हैनकॉम, यहाँ PDF टेक्स्ट, RTF मार्कअप, कोड, ईबुक्स, इतनी सारे कंटेंट्स ये फाइल्स के यहाँ पर रखता है। नीचे देख पा रहे हैं आप, स्टोरेज सर्विसेज भी आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, ये कैलकुलेट इसने कर लिया है मेरे फ़ोन में, और कैलकुलेट करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है PDF जो कि 27 है, टेक्स्ट फाइल जो कि 171 है, ये कोड है, ये मार्कअप्स हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर गूगल ड्राइव से लॉगिन कर सकते हैं, वन ड्राइव से लॉगिन कर सकते हैं, बॉक्स से लॉगिन कर सकते हैं। और ये दोस्तों, इसके नीचे कुछ और फैमिलियर इसके ही ऐप्स हैं, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप आएंगे होम पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका वर्जन रीसेंट। आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट की जो है फाइल्स को भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। नीचे आपको ये इसके बीटा वर्जन और गूगल ड्राइव दिख रहे हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ये यहाँ पर जो है, क्योंकि फ्री बेस्ड है, तो यहाँ पर एक जो है ऐड आता है गूगल का, क्योंकि नेट ऑन है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे लिखा आ गया है, वर्ड की दो फाइल हैं यहाँ पर, और आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे वर्ड की दो फाइल्स पे, तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट का एक पूरा टेम्पलेट बना आ गया है। लिखा है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेम्पलेट्स, ये जो है चार यहाँ पर फाइल्स के तरीके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दो हमारी वर्ड की फाइल यहाँ पर आ गई हैं। अब एक 2019 की है, एक 2020 की है, जितने भी तरह की यह फाइल होंगी आप यहाँ पर इजीली फाइल्स को यहाँ पर देख पाएंगे। इसी तरीके से हम PDF पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, जितनी भी PDF हमारे इस डिवाइस में है, ये 2019, 2020, 2021, ये सभी आप एक जगह पर जो है इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आपको ये दिख जाएगी, आप यहाँ पर टेक्स्ट फाइल देख पा रहे हैं, जितनी भी टेक्स्ट फाइल हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में थी, ये सभी यहाँ पर आ गई हैं। RTF फाइल्स भी आ गई हैं। ये दोस्तों, इसी तरीके से आप यहाँ एक और, आप ये जो प्लस का ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, ये प्लस का ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है। इसी तरीके से मैं एक बार और बता दूँ, यहाँ पावर पॉइंट भी इसने एक्सेस करके टू कर लिया है, तो यहाँ पावर पॉइंट की भी जो है दो फाइल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिनमें जो है हमारे डिवाइस में अभी तक हमने दो पावर पॉइंट की ही फाइल्स को अभी तक रखा है, बाकी सारी फाइल्स या तो डिलीट कर दी गई हैं या इसमें है ही नहीं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। अब आप ये जो प्लस का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं, आप किसी भी फ़ोटो को PDF बना सकते हैं, HTML बना सकते हैं, टेक्स्ट बना सकते हैं। मान लीजिए हमें PDF बनाना है, तो हम क्रिएट अ PDF पर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ फ़ोटोज़ जो भी आप जिसको भी PDF बनाना चाहें PDF बना सकते हैं। अब PDF बनाने के लिए जो है, हमने मान लीजिए यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद देखिए, ये इमेज का नाम आ गया है। आप यहाँ पर चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये मैंने नाम लिख दिया है, ये मैंने क्रिएट कर दिया है। ये दोस्तों देखिए क्रिएट हो गया है। और अब आप जो है इसी तरीके से जो भी जितने भी आप फाइल्स यहाँ पर बनाना चाहते हैं, वो इजीली आप जो है यहाँ पर इसको बना पाएंगे, और आप यहाँ पर इसको जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो आप यहाँ से दोस्तों काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। ज़्यादातर एंड्रॉयड यूज़र्स के पास आजकल ये मैनेज करने के लिए कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं था। हमने इसको सर्च किया, सर्च करने के बाद ये एप्लीकेशन हमें काफ़ी बेहतर लगा, और इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।